उत्तर कोरिया ने नागरिकों पर 11 दिन के लिए हंसने, शराब पीने और खरीदारी पर जाने का बैन लगाया है। किम जोंग उन ने यह आदेश शुक्रवार को अपने पिता किम जोंग इल की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर जारी किया। बताया गया कि किम जोंग ने शुक्रवार से लेकर अगले 11 दिनों तक देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इसी के चलते नागरिकों की सभी फुर्सत में की जाने वाली गतिविधियों को इस अवधि के लिए रोक दिया गया है। उत्तर कोरिया के कई नागरिकों ने किम जोंग की ओर से लागू इन प्रतिबंधों की पुष्टि भी की है। रेडियो फ्री एशिया ने देश के सीमाई क्षेत्र में मौजूद सिनुइजू शहर के रहवासियों के हवाले से बताया कि आम लोग रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। नियम तोड़ने वालों की गिरफ्तारी के साथ उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। एक नागरिक ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा, पहले भी किम जोंग इल की पुण्यतिथि पर जो लोग शराब पीते या नशे की हालत में मिलते थे उन्हें गिरफ्तार करके अपराधियों की तरह रखा जाता था। कई लोगों की तो गिरफ्तारी के बाद कोई खोज खबर भी नहीं मिली। नागरिकों ने आगे कहा, शोक के 11 दिन के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों का जोर जोर से रोने की भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा उसके शव को तभी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सकता है जब शोक के 11 दिन पूरे हो जाए। शोक की अवधि के दौरान लोग जन्मदिन भी नहीं मना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन समाचार।